मुंबई के सह प्रभारी गोपाल इटालिया को आज क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद क्राइम ब्रांच से ही उन्हें जामीन दे दी गई। आपको बता दें कि 3 महीने पहले ही गुजरात में विधानसभा के दौरान जो है गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के एक्स जो है वो अध्यक्ष रह चुके हैं गुजरात के। ऐसे में उन्होंने गुजरात विधानसभा का चुनाव का दौरा चल रहा था दौर था उसमें और उन्होंने कई जो है सभाएं की थी, कई सभा को संबोधित की थी। उसी दौरान जो है राज्य गृह मंत्री हर संघवी को ड्रग्स संघवी का जो है जो शब्द था उस पर टिप्पणी की थी। उसी मामले को लेकर जो है प्रताप जरीवाला ने सूरत शहर के उमरा पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज की थी। उसी शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने आज उन्हें गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की गई, जिसके बाद यहां से ही उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जब गोपाल इटालिया जब क्राइम ब्रांच से बाहर निकले तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले जो है ये सारी जो घटनाएं बनी थी ये कोई नई बात नहीं है। उस समय जब ये पॉलिटिक्स यानी कि विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो एक दूसरे के ऊपर हत्या प्रत्यारोप का आरोप जो है लगातार जारी था। ऐसे में हमने कोई जो है गलत टिप्पणी नहीं की है। जो तमाम जो खबरें थी इस प्रकार की वो जो है YouTube पर जो ऑलरेडी पहले से हैं या फिर अखबार में छपी हुई है, तो उन सभी अखबार में छपी हुई जो क्लिप है जो वर्ड है वो हमने यूज किया है। इसलिए हमने कोई जो है किसी प्रकार का जो है अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है। हालांकि गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना रोल अदा किया है गुजरात विधानसभा में और सूरत में, आपको बता दें कि सूरत शहर में भी महापालिका में करीबन 27 से ज़्यादा उनके कॉरपोरेटर चुन के आए थे। यही वजह है कि भाजपा जो है लगातार जो है उन पर प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तौर तरीके से उन पर FIR कर रही है। यही वजह है कि भाजपा में सूरत क्राइम ब्रांच ने मुझे किसी पुरानी FIR के सिलसिले में मुझे पूछताछ के लिए पहले बुलाया था। फिर कुछ पूछताछ करने के बाद सूरत क्राइम ब्रांच ने मुझे अरेस्ट किया और मुझे ये बताया गया कि गुजरात के विधानसभा के चुनाव के दौरान कुछ चुनावी रैलियों में मैंने गुजरात के गृहमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कुछ बोला है और जिस शब्दों के कारण भाजपा के किसी कार्यकर्ता की भावनाएं आहत हुई है तो उस कार्यकर्ता ने मेरे खिलाफ कोई FIR लिखवाई है उस टाइम, और जिस FIR के चलते आज सूरत क्राइम ब्रांच ने मुझे अरेस्ट किया। क्योंकि FIR की ऑलमोस्ट जो सेक्शंस है वो अवेलेबल थी और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने मुझे यहाँ से छोड़ दिया है। लेकिन ये सारी टेक्निकल बातें हो गई, लीगल बातें हो गई। दरअसल बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने और हम जैसे छोटे लोगों ने मिलकर गुजरात जैसे भाजपा के गढ़ माने जाने वाले स्टेट में पिछले चुनाव में जो शक्ति दिखाई, जो हिम्मत दिखाई इनके सामने चुनाव लड़ने की और लड़के 40 लाख वोट पाने की, 5 विधायक बनाने की, उस हिम्मत से ये लोग डरे हुए हैं। ये लोग अंदर से बहुत बौखलाए हुए हैं। किसी भी तरीके से कुछ भी करके, चाहे अरविंद केजरीवाल को CBI का समन भिजवा के, मुझे यहाँ क्राइम ब्रांच से अरेस्ट करवा के, हमारे कुछ काउंसिलरों को तोड़ मरोड़ के फोड़ के, कुछ भी करके ये भाजपाई लोग अब चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए। क्योंकि भाजपाइयों को अब लगता है कि आम आदमी पार्टी ही देश की एक पार्टी है जो आने वाले समय में BJP को टक्कर देगी और उनकी जगह ले लेंगी। इसलिए बदले की भावना से, राजनीतिक दुष्प्रेरणा से भरी हुई ये सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम इनसे डरेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। हम अरविंद केजरीवाल जी के सैनिक हैं, ईमानदारी से, निष्ठा से, हिम्मत से हम लड़ते रहेंगे हर स्तर पे। जो टिप्पणी है उसको लेकर FIR की जा रही है। यही वजह है कि आज उन्हें क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर उनसे पूछताछ की गई थी और उसके बाद यहीं से उनको छोड़ दिया गया। हालांकि जो ये मैटर है ये 3 महीने पहले का था, उसमें किसी प्रकार की जो कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन 3 महीने के बाद जो है आज क्राइम ब्रांच जो है उनको अरेस्ट की थी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के मुंबई सह प्रभारी गोपाल इटालिया किस तरह की कोर्ट में चैलेंज करते हैं, ये सबसे अहम उनका रोल होगा। और आगे कितने प्रकार से उनको गुजरात में अलग अलग तौर तरीके से जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ये सारी बातें जो है आज उन्होंने मीडिया के समक्ष रखा है। सूरत से कैमरामैन उमंग के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।